हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। हम टोपोलॉजी की फोर्थ यूनिट कर रहे थे। सबसे पहले तो सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पाई, उसकी कुछ अपनी वजह थी। बट अब हम टोपोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं। टोपोलॉजी की फोर्थ यूनिट हमने स्टार्ट की हुई थी। फोर्थ यूनिट में हम टी नॉट और टी वन दोनों स्पेसेस ऑलरेडी कर चुके थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे टी टू स्पेस। टी टू स्पेस क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसके कुछ एग्जाम्पल्स से हम क्लियर कर लेंगे कि टी टू स्पेस एक्चुअल में होता क्या है। जैसे टी नॉट स्पेस और टी वन स्पेस थे, उनके अपने एग्जाम्पल्स थे, उसके बाद उनकी थ्योरम्स की थी। थ्योरम्स में हमने एक तो सब स्पेस ये बोला था कि अगर कोई स्पेस हमारे पास टी नॉट या फिर टी वन स्पेस होता है तो उसका सब स्पेस भी हमारे पास टी नॉट और टी वन स्पेस होते हैं। एक हेरिडिटी वाली प्रॉपर्टी की थी, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी टी नॉट एंड टी वन स्पेस की। सेम काम हम टी टू स्पेस के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो टी टू स्पेस होता क्या है। टी टू स्पेस से पहले देख लेते हैं टी नॉट स्पेसेस और टी वन स्पेसेस क्या थे। देखो टी नॉट स्पेस की अगर हम बात करें तो किसी हम कोई अगर हमारे पास एक्स कॉमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है तो इसे हम कब टी नॉट स्पेस बोलते थे। इफ़ देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चाहिए एक्स वन और एक्स टू, एंड देयर एग्जिस्ट एन अनोदर ओपन सेट जी, और एक ओपन सेट जी चाहिए, अनोदर नहीं, एक ओपन सेट चाहिए हमारे पास जी। क्या है एक्स कॉमा टाउ को हम टी नॉट कब बोलेंगे, अगर दो हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हों, एक ओपन सेट जी हो, सच दैट जी कंटेन्स जो ये ओपन सेट है हमारे पास, ये इन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करे, या तो एक्स वन को या एक्स टू को, बट वो अपने अंदर एक ही पॉइंट को कंटेन करेगा एंड नॉट द अदर, दूसरे को कंटेन नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर एक्स वन जी के अंदर आ गया तो एक्स टू जी के अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखा था हमने टी वन स्पेस। देखो टी वन स्पेस क्या था, एक्स कॉमा टाओ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसे हम टी वन स्पेस कब बोल रहे थे, अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था। प्रॉपर्टी क्या है, देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टी नॉट स्पेस के लिए भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की नीड पड़ी थी, और अब टी वन के लिए भी हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चाहिए, और जब आप टी टू स्पेस करोगे तो उसके लिए भी हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चलेंगे। तो इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं एक्स वन और एक्स टू, एंड देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स, और दो ही इसके ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं जी वन एंड जी टू। बट जब हम टी टू उसकी टी नॉट स्पेस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे बस एक ओपन स्पेस था, ओपन सेट था जी। यहाँ पे क्या आ गया, दो ओपन सेट्स हैं जी वन एंड जी टू, सच दैट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ना एक्स वन एंड एक्स टू, तो या तो एक्स वन हमारे पास जी वन में आ गया तो एक्स वन जी टू में हमारे पास नहीं जाएगा। मतलब एक पॉइंट एक के अंदर कंटेंट होगा, दूसरे के अंदर नहीं होगा, फिर दूसरा पॉइंट दूसरे वाले सेट के अंदर कंटेंट होगा, पहले वाले सेट के अंदर नहीं होगा। तो एक्स वन अगर जी वन के अंदर है तो हमारे पास एक्स टू जी वन के अंदर नहीं होगा, फिर एक्स टू जी टू के अंदर नहीं होगा, और एक्स टू हमारे पास जी टू के अंदर आ जाएगा। मतलब एक एलिमेंट एक ही सेट के अंदर जा सकता है, दूसरा एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं आएगा। ओके, अब देखते हैं टी टू स्पेस। टी टू स्पेस में एक छोटी सी एडिशनल प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है टी वन स्पेस से। वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड ए टी टू स्पेस। एक्स को हम कब टी टू स्पेस बोलेंगे, हाँ टी टू स्पेस का नाम एक और है, हॉस्ट ऑफ स्पेस। या तो पेपर में टी टू स्पेस के नाम से पूछ लेते हैं या फिर हॉस्ट ऑफ स्पेस के नाम से, कोई भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें आपने टी टू स्पेस ही करना है, ठीक है। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स को हम टी टू स्पेस या हॉस्ट ऑफ स्पेस कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम, अगर वो ये एक्सियम सेटिस्फाई करता है। एक्सियम क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स, अगर एक्स और वाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं एक्स के, अभी तक हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चले थे ना एक्स वन और एक्स टू टी नॉट और टी वन स्पेस के लिए, तो ऐसे ही इसमें भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले रखे हैं एक्स और वाई, देन देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स। कंडीशन क्या है, अभी तक क्या थे हमारे पास, ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बट टी टू स्पेस का नाम आते ही वो ओपन सेट्स, कैसे ओपन सेट्स लेने हैं, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन्स उन दोनों ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा। ओके, तो देखो क्या है, एक्स और वाई हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं एक्स के, दो ही इसके ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो ओपन सेट्स लेने हैं डिसजॉइंट। अब कंडीशन क्या है,
वन कंटेनिंग एक्स, जो दो ओपन सेट्स लिए हैं ना, मान लो जी वन और जी टू हम ले रहे हैं, तो एक जी वन तो एक्स को कंटेन कर ले एंड द अदर कंटेनिंग वाई, और वाई को कंटेन कर ले जी टू, या फिर वाई को जी वन कंटेन कर ले और एक्स को जी टू कंटेन कर ले। मतलब ये है, एक पॉइंट को एक सेट कंटेन करेगा और दूसरे पॉइंट को दूसरा सेट कंटेन करेगा। तो यही लिखा हुआ है, अगर जी वन और जी टू हमारे पास दो ओपन सेट्स हैं सच दैट एक्स हमारे पास जी वन में बिलोंग कर रहा है और वाई जी टू में बिलोंग कर रहा है, तो ये स्पेस हमारे पास टी टू स्पेस हो जाता है। साथ में एक कंडीशन और लगाई हुई है, एंड जी वन इंटरसेक्शन जी टू इज इक्वल टू फाई, क्योंकि बोला था ना डिस्टिंक्ट ये डिसजॉइंट ओपन सेट्स लेने हैं, तो जी वन और जी टू दो ओपन सेट्स हैं, अब ये डिसजॉइंट लेने हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन हो गया फाई। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो कोई भी स्पेस हमारे पास टी टू स्पेस हो जाएगा। समझ आया ना, टी टू स्पेस क्या होता है? टी नॉट स्पेस में हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे, एक हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा था, तो उन डिस्टिंक्ट पॉइंट में से एक पॉइंट उस ओपन सेट में एग्जिस्ट करता था, दूसरा नहीं करता था। फिर हमारे टी वन स्पेस पे, टी वन स्पेस में हमारे पास दो ओपन सेट्स थे, दो ही हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने थे, एक ओपन सेट एक पॉइंट को कंटेन करेगा दूसरे को नहीं करेगा, फिर दूसरा पहले वाले को कंटेन ना करेगा दूसरे को करेगा। ठीक है, टी वन स्पेस में ये कंडीशन थी। फिर टी टू स्पेस में क्या हुआ, हमारे पास दो ओपन सेट्स, दो हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और ओपन सेट्स कैसे लेने हैं, डिसजॉइंट सच दैट वन कंटेनिंग एक्स एंड द अदर कंटेनिंग वाई। ओके, ये प्रॉपर्टी हो गई टी टू स्पेस की। नेक्स्ट देखो, एक छोटा सा एक्सियम इसी से ऐड किया हुआ है। कंडीशन क्या है, एवरी टी टू स्पेस इज टी वन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बोल रहा है कि हर एक टी टू स्पेस तो हमारे पास टी वन होगा, लेकिन हर एक टी वन स्पेस टी टू हो इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, हर एक टी टू स्पेस हमारे पास टी वन होना चाहिए। देखो नॉर्मली भी अगर हम देखें तो हर एक T2 स्पेस तो T1 होता ही है, क्योंकि बट T1 T2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि T1 में हमारे पास डिसजॉइंट वाली कंडीशन नहीं थी, नहीं पता था कि ओपन सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट हैं या नहीं। पर अगर डिसजॉइंट हैं तब भी T1 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं ना, एक पॉइंट एक सेट एक ही पॉइंट को कंटेन कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा, तो T1 की कंडीशन तो ऐसे भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसलिए हर एक T2 स्पेस तो T1 होगा, बट T1 स्पेस T2 हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंडीशन फेल होगी डिसजॉइंट सेट्स वाली। ओके, तो देखो इसके लिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि हर एक T2 स्पेस हमारे पास T1 है बट कन्वर्स नहीं है, एग्जांपल से देखते हैं इसे। फॉर एग्जांपल कंसीडर द कोफाइनाइट टोपोलॉजी टाउ। कोफाइनाइट टोपोलॉजी याद है ना, फर्स्ट यूनिट में कराई थी, कौन सी टोपोलॉजी को हम कोफाइनाइट बोलते थे, अगर वो टोपोलॉजी हमारे पास फाई को कंटेंड करे और उन सारे सेट्स को कंटेंड करे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता था, ऐसा कलेक्शन फाई का और उन सारे सबसेट्स का जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आता था वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहलाती थी। तो एग्जांपल लिया है हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी का, ऑन एन इनफाइनाइट सेट एक्स देन एक्स कॉमा टाउ इज टी वन स्पेस। ये हम कर चुके हैं टी वन स्पेस के एग्जांपल्स में कि अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है ऑन एन इनफाइनाइट सेट तो वो हमारे पास टी वन स्पेस होता है। ओके, तो टी वन स्पेस तो है ये है, पर हम प्रूफ क्या करेंगे कि टी टू स्पेस ना हो, तो हमारे पास ये कन्वर्स वाला पार्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा कि T1 स्पेस हमारे पास T2 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो इफ़ पॉसिबल सॉरी बट नॉट T2 स्पेस, तो हम क्या करेंगे कि x कॉमा टाउ T1 स्पेस तो है, वो आप देख लेना पीछे से T1 स्पेस के में से। ठीक है, बट ये हमारे पास T2 स्पेस नहीं है ऐसा प्रूफ करते हैं, तो ये प्रूफ करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन से, मान लो कि ये T2 स्पेस है। सो लेट इफ़ पॉसिबल सपोज दैट x कॉमा टाउ इज़ T2 स्पेस, मान लिया कि T2 स्पेस है, टी टू स्पेस है तो भाई उसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी। कौन सी कंडीशन, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स सच दैट वन कंटेन्स वन पॉइंट एंड द अदर कंटेन्स सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो देखो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चलते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स, ये हमने एक्स के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए, देन देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स, क्योंकि टी टू स्पेस मान के चल रहे हैं ना, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लिए और दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स ले लिए जी और एच सच दैट एक्स बिलोंग टू जी एंड वाई बिलोंग टू एच, ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई है टी टू स्पेस की हेल्प से। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन लेके आनी है ताकि वो हमारे पास टी टू स्पेस ना बचे। तो देखो क्या इन्होंने कैसे उठाया हुआ है, नाउ एक्स इज इक्वल टू एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस फाइव, क्योंकि एक्स में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारे पास एक्स ही बचना है,
तो x को हम लेके चले x माइनस फाइव इज इक्वल टू x माइनस फाइव की जगह पे हम g इंटरसेक्शन h क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने t2 स्पेस माना था, इसके दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स थे, डिसजॉइंट ना, तो g इंटरसेक्शन h इज इक्वल टू फाइव, तो फाइव की जगह पे लिख दिया g इंटरसेक्शन h। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये x माइनस जी एक साथ लिख दिया, यूनियन हमारे ये इंटरसेक्शन हमारे पास यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो यहाँ पे यूनियन लग जाएगा x माइनस एच। अब देखो g और h दोनों हमारे पास ओपन सेट्स हैं, फाइनाइट भी है, तो x माइनस जी भी फाइनाइट होगा और x माइनस एच भी फाइनाइट होगा। सिंस x माइनस जी एंड x माइनस एच आर फाइनाइट सेट्स, सो जब दो हमारे पास फाइनाइट सेट्स होते हैं तो उनका यूनियन भी फाइनाइट होता है, इनफैक्ट आर्बिट्रेरी यूनियन फाइनाइट होता है। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस जी यूनियन x माइनस एच इज ऑल्सो फाइनाइट, ये दोनों फाइनाइट हो गए, मतलब अगर हमारे पास ये राइट हैंड साइड फाइनाइट हो गई तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी फाइनाइट होनी चाहिए। तो अगर x माइनस जी यूनियन x माइनस एच इज फाइनाइट है देन x विल ऑल्सो भी फाइनाइट, बट हम क्या मान के चले थे, को फाइनाइट टोपोलॉजी टाउ ऑन एन इनफाइनाइट सेट x, एक्स को हम एक इनफाइनाइट सेट लेके चले थे, क्योंकि जब ही हमारे पास जब हम इनफाइनाइट सेट लेते हैं ना तब ये टी वन स्पेस बनता है, फाइनाइट सेट के लिए टी वन स्पेस नहीं होता, तो यहाँ पे हम इसे इनफाइनाइट सेट लेके चले। लेकिन यहाँ हमने क्या दिखा दिया कि भाई ये तो हमारे पास फाइनाइट है, ये फाइनाइट है तो एक्स भी फाइनाइट होगा, बट एक्स इनफाइनाइट है तो ये हमारे पास हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अ कॉन्ट्राडिक्शन सिंस एक्स इज इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट, hence x comma tau is not a t2 space, तो ये हमारे पास t2 space नहीं होगा। मीन्स ये है हर एक t2 space t1 होता है, बट t1 हर एक t2 हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक थ्योरम देखो, छोटी सी है, t2 space से ही जुड़ी हुई है, आप इसे अगर एग्जाम्पल पूछ लेते हैं तो आप इसे एक एग्जाम्पल की तरह भी यहाँ पे दे सकते हैं। देखो क्या है थ्योरम, सो दैट एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज t2 space, हर एक मैट्रिक्स स्पेस को t2 स्पेस दिखाना है। मैट्रिक्स स्पेस में हमारे पास ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम डिनोट करते थे ऐसे कुछ SRX, है ना, ओपन स्फीयर्स होते थे, r रेडियस को मानते हुए x पॉइंट के अराउंड यहाँ पे x पॉइंट ले लेते थे, ये एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता था r रेडियाई का, ऐसे करके हम लेते थे। तो यहाँ पे ओपन स्फीयर का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि हर एक मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास t2 स्पेस हो, इसके लिए प्रूफ करते हैं t2 स्पेस हो। ठीक है, डेफिनेशन याद रखना अपने माइंड में, t2 स्पेस होता क्या है, t2 स्पेस वो स्पेस होता है जिसके लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करें, दो हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हों और उनमें से एक जो पॉइंट है वो एक सेट के अंदर जाए और दूसरा पॉइंट दूसरे सेट के अंदर जाए। ठीक है, तो देखो भाई, लेट एक्स कॉमा डी ए मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस को दिखाना है t2 स्पेस, तो एक मैट्रिक्स स्पेस मान के चले एक्स कॉमा डी एंड एक्स कॉमा वाई बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्योंकि सबसे पहला काम t2 स्पेस के लिए क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चलना, फिर उनके लिए दो ओपन सेट्स हमें एग्जिस्ट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चले एक्स के, लेट एप्साइलन इज इक्वल टू में डी एक्स वाई, ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशन से ही होती है कि जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में बीच की एक्स और वाई की, वो हमने मान ली एप्साइलन, सो दैट एप्साइलन इज ग्रेटर देन जीरो। ऑब्वियसली भाई डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वो डिस्टेंस मान ली ग्रेटर देन जीरो, एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो मीन्स डिस्टेंस इज ग्रेटर देन जीरो। देन एस एप्साइलन बाई टू एक्स एंड एस एप्साइलन बाई टू वाई आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स, दो हमारे पास ओपन स्फीयर्स एग्जिस्ट करेंगे, एक की रेडियाई एप्साइलन बाई टू मान ली है, दूसरी की भी एप्साइलन बाई टू है, एक एक्स पॉइंट के रेफरेंस में लिया, दूसरा वाई के रेस्पेक्ट में लिया। ठीक है, तो दो डिसजॉइंट हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि हर एक ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, ये आप थ्योरम कर चुके हो रियल एनालिसिस में BSc के 5th semester में। ओके, तो ये हमारे पास डिस्टेंट ओपन सेट्स हो जाएंगे कंटेनिंग, ये वाला एक्स को कंटेन कर रहा है अपने अंदर, ये वाला वाई को कंटेन कर रहा है, तो दो हमारे पास ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर गए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए, सच दैट वन कंटेनिंग एक्स एंड अदर कंटेनिंग वाई, तो यही तो t2 स्पेस होता है। ठीक है भाई, हेंस एक्स इज ए t2 स्पेस, तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा t2 स्पेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये थ्योरम्स दे रखी हैं बट अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लें एग्जाम में कि एग्जाम्पल दीजिए t2 स्पेस का, तो आप इन्हें एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एज एग्जाम्पल इन्हें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई, r कॉमा u, u इज़ अ यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, r सेट ऑफ रियल नंबर्स, यूजुअल टोपोलॉजी ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, प्रूफ करना है कि ये भी हमारे पास t2 स्पेस हो। t2 स्पेस के लिए इसकी भी वही कंडीशन,
कौन सी कंडीशन? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चलेंगे, फिर उनके लिए दो ओपन सेट एग्जिस्ट करवा देंगे, वो भी डिसजॉइंट। तो देखो x दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेट x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू में मॉड ऑफ x माइनस वाई। ये हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए हैं, यूजुअल टोपोलॉजी में हम डिनोट कर लेते हैं एज अ डिस्टेंस ही है ये हमारे पास x और y पॉइंट की, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन मान लिया, देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज मॉड्यूलस में से वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो निकल के आती है। द सेट्स एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू, तो दो हमने सेट्स लिए हैं एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू सिमिलर वाई के लिए। तो ये वाला जो हमने सेट लिया है ये तो एक्स को अपने अंदर कंटेन करेगा और ये वाला सेट वाई को कंटेन करेगा और इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट भी नहीं है, तो ये दोनों हो गए हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स इन आर, ये कंटेनिंग एक्स एंड दिस कंटेनिंग वाई रेस्पेक्टिवली, हेंस आर कॉमा यू इज ए टी टू स्पेस। तो ये हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स टी टू स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए, एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज टी टू स्पेस, हर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस टी टू स्पेस हो ऐसा प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो ये माइंड करो, रिमाइंड करो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, दो होते थे ना इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस तो वो स्पेसेस होते थे जो अपने अंदर बस फाई को और इटसेल्फ उस सेट को ही कंटेंड करते थे, है ना। और बात करें डिस्क्रीट की तो सारे के सारे सबसेट्स का कलेक्शन, जितने भी सबसेट्स बनते हैं हमारे पास किसी स्पेस के उन सभी का कलेक्शन इसके अंदर लाई करता है, तो वो वाला सेट जिसके अंदर वो सारा सबसेट्स का कलेक्शन लाई करता है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाता था। अप्रूव करना है उसे टी टू स्पेस, ठीक है। टी टू स्पेस के लिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और उनके लिए दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करवाने हैं। तो लेट एक्स कॉमा टाओ बी आर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स कॉमा वाई बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स, ठीक है। समझ आया ना स्टार्टिंग कैसे की है, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चले जिसे हमें टी टू स्पेस दिखाना है, फिर उसके बाद टी टू स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके चले, इनके लिए अब हम दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करवा देते हैं। तो देखो एक्स के लिए तो डिसजॉइंट ओपन सेट हमारे पास इस सिंगलटन एक्स टाइप का एग्जिस्ट कर जाएगा, वाई के लिए सिंगलटन वाई सेट्स का एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि ये डिस्क्रीट स्पेस से भी लाई कर रहे हैं और ऊपर से ये हमारे पास ओपन सेट्स का भी काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स हो जाएंगे विच दिस कंटेन्स एक्स एंड दिस कंटेन्स वाई रेस्पेक्टिवली, हेंस एक्स इज अ टी टू स्पेस। ओके, तो टी टू स्पेस से अगर आपको कुछ पूछ लिया जाए तो डेफिनेशन बता देना, ये थ्योरम या ये थ्योरम बतौर एग्जांपल आप दे सकते हो, पीछे वाली की थी जो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और वो वाली डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि प्रूव दैट एवरी टी टू स्पेस इज इवन बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये कंपलसरीज में पूछ लेते हैं, तो वो पढ़ लेना अच्छे से। बाकी नेक्स्ट जो थ्योरम्स दे रखे हैं, एक तो ये है कि टी टू स्पेस का सब स्पेस भी हमारे पास टी टू होगा ऐसा प्रूव करना है, और उसके बाद एक हेडिटरी प्रॉपर्टी होती है वो भी प्रूव करनी है, नेक्स्ट आपको प्रूव करना है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।